तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुंबई के लिए रवाना हो चुके एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी से मुंबई आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। रुक नहीं पा रही उद्धव सरकार की मुश्किलें। दिलीप लांडे समेत 9 और विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ पहुंचे। 4 शिवसेना, 5 निर्दलीय विधायक आज गुवाहाटी पहुंचते हुए। शिवसेना से बागी हो चुके एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। शिवसेना संगठन के बड़े नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से खबर, संगठन के बड़े नेताओं को भी अपने समर्थन में लाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों के बाद अब पार्षदों की टूट संभव है। सूत्रों के अनुसार जानकारी आई, ठाणे महानगर पालिका के 60 शिवसेना पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ जाने को हो गए तैयार। गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे कैंप की मीटिंग हुई है। मीटिंग में 50 विधायक मौजूद रहे। आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। शिवसेना के विधायक महेंद्र दलवी ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। कहा, हम जोर जबरदस्ती से गुवाहाटी नहीं पहुंचे हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं गुवाहाटी। हम लोग आपसे अपने मर्जी से आए हैं, कोई जरूरत नहीं। सर, आपने फुटेज देखा होगा, नितिन देशमुख को शिंदे साहब के जब आदमी दिया है, जरूरत हो सकता है, पूरा फुटेज देख सकते हैं। महेंद्र दलवी ने नितिन देशमुख के आरोपों पर पलटवार किया। कहा, नितिन देशमुख गलत कह रहे हैं, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था। हमारे साथ थे, स्पेशल फ्लाइट से उनको भेज दिया है, हमारे आदमी उसको नागपुर छोड़ने गया है जी। ये कोई बात नहीं है ना, वो झूठ बोलता है। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने और बढ़ा दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की परेशानियां। शिवसेना विधायक दल के नेता पद के लिए दावा कर दिया। गुवाहाटी में बैठक के बाद 37 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर को भेजी। विधायकों से बोले, एक महाशक्ति हमारे साथ मौजूद है। नासिक में एकनाथ शिंदे के समर्थन में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर्स देखिए, पोस्टर में उद्धव ठाकरे गायब है। महाराष्ट्र के सतारा के मशहूर पर्यटन स्थल महाबलेश्वर में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स नजर आए हैं। मुंबई के मीरा रोड पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगाए गए। इस पोस्टर में बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर मौजूद है। शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी ने बताई नाराजगी की वजह। कहा, में सरकार बनने के बाद नहीं मिल रही थी तवज्जो। जो महागाड़ी बनी थी महाराष्ट्र राज्य में, एनसीपी के सब बड़े नेता हैं, वो सब पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने नहीं देते शिवसेना को, ये हमारा ये था। गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे शिवसेना विधायक दिलीप लांडे। 4 शिवसेना, 5 निर्दलीय विधायक आज पहुंचेंगे गुवाहाटी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं शिवसेना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबरें। शिंदे गुट पर पलटवार करने की तैयारी में शिवसेना। 16 विधायकों को अयोग्य कराने की तैयारी में लगी हुई है शिवसेना। शिवसेना की अहम बैठक के लिए शिवसेना भवन पहुंच रहे हैं जिला प्रमुख। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राज्य के सभी जिला संपर्क प्रमुखों और शिवसेना के जिलाध्यक्षों की अहम बैठक होगी। संजय राउत का एकनाथ शिंदे को चैलेंज। कहा, अगर आपके पास विधायक हैं तो आइए अभी फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। महाराष्ट्र सरकार पर बने खतरे के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात। वाईबी चव्हाण सेंटर पर हुई मुलाकात। शरद पवार से मीटिंग के बाद बागियों को संजय राउत की सीधी चुनौती। कहा, सड़क पर भी जीतेंगे जंग, हमारे पास बहुमत, बात करने का वक्त चला गया। हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी को मिली मान्यता। विधानसभा के प्रभारी अध्यक्ष नरहरी जरवाल ने दी स्वीकृति। अजय चौधरी को मान्यता मिलाने के बाद शिंदे तैयार करेंगे आगे की रणनीति। अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं शिंदे। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे। सीएम के आवास मातोश्री पर की मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक गुजरात जाते वक्त विधायकों ने सिक्योरिटी गार्ड या पीए ले जाने से किया था मना, इसलिए सरकार को नहीं लगी भनक।
शिवसेना ने बुलाई मुंबई महानगर पालिका के पार्षदों की इमरजेंसी बैठक, शाम को 7 बजे शिवसेना कार्यालय सेना भवन में होगी बैठक। एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायक संजय शीरसाट को उनकी विधानसभा क्षेत्र के शिवसैनिकों ने लिखा पत्र, अगली बार चुनाव जीतने का दिया चैलेंज। सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, कई बड़े कानून के जानकारों से ली है सलाह। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अब यह लड़ाई कानूनी लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है, जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए। शिवसेना नेता संजय भोसले को गुवाहाटी पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस का दावा सेंसिटिव इलाके में आने की वजह से की जा रही है पूछताछ। शिवसेना नेता संजय भोसले ने एकनाथ शिंदे से मातुश्री वापस जाने का किया अनुरोध, कहा बाला साहिब के रास्ते से अलग न चले एकनाथ शिंदे। भाई आप ऐसा मत करो, बाला साहब ठाकरे ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, जितना ताकत दिया है, उस ताकत को बाजू करके आप जो दूसरी बाजू में जा रहे हैं वो गलत हो रहा है। और आप शिवसेना का जो कट्टर का नाम आपके साथ लगा हुआ है, वो गद्दारी का नाम मत लगा लो। नासिक में एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर फेंकी गई काली स्याही, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर अंडे भी फेंके। और आइए अब एक नजर डालते हैं महाअघाड़ी के एक्शन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों पर। शिंदे गुट से जुड़े शिवसेना एमएलसी रविंद्र पाठक सूरत में विधायकों को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर के साथ गए थे रविंद्र पाठक। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ्लोर टेस्ट में साबित होगा बहुमत। संजय राउत के अखाड़ी से अलग होने वाले बयान पर उद्धव से बात करेंगे अजीत पवार, कहा आखिरी घड़ी तक शिवसेना के साथ। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज भी जारी रहेंगी राजनीतिक दलों की बैठक, मातोश्री पर नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे मंथन, कांग्रेस नेताओं की भी हो सकती है बैठक, एनसीपी ने अपने नेताओं को उनके चुनाव क्षेत्र में वापस भेजा। शिवसेना नेता संजय राउत का बागी विधायकों को संदेश, अगर मुंबई आकर बात की तो अघाड़ी सरकार से बाहर होने पर भी विचार संभव, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा राउत के इस बयान पर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। शरद पवार ने कहा मेरे पास सभी पार्टियों के आंकड़े, सरकार बचाने की पूरी कोशिश होगी। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी की वजह से महाराष्ट्र में बने ऐसे हालात। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सत्ता के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने यह षड्यंत्र किया जो महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, वो षड्यंत्र में आज भी वो बिल के बाहर निकल नहीं रहे। तुरंत राज्यपाल जी ने सेशन बुलाना चाहिए और एक फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। शिवसेना नेता भरत गोगावले का बयान, कहा हमारे पास पर्याप्त विधायक, बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। तो सर अभी लेकिन ये शिवसेना के तौर पे आप आगे बढ़ेंगे या एक अलग दल बनाएंगे? कौन सा सर? अब देखते हैं महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर बीजेपी के रिएक्शन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का बयान, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का शिवसेना पर तंज, कहा जब सब कुछ लुट गया तो शिवसेना होश में आई, अब जनादेश का अपहरण तो कर सकते हैं पर सरकार का नहीं चला सकते। सरकार चलती है, जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी को धमकी, कहा शरद पवार को लेकर नारायण राणे की भाषा स्वीकार नहीं है, कहा सरकार रहे या जाए ऐसी भाषा मंजूर नहीं। गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को,
अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी की बैठक। फडणवीस के घर पहुंचे गिरीश महाजन। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के होटल के बाहर जुटे आरपीआई समर्थक। एकनाथ शिंदे को दिखाया समर्थन, कहा हम महाराष्ट्र में नई सरकार चाहते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखा पत्र, महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग की। महाराष्ट्र के महासंकट को सुलझाने वाले फॉर्मूले की तलाश में दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। शिंदे गुट को दिए ऑफर पर भी हो सकती है बात। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।